ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ करवा रखा है, या हमारे किसी दोस्त पर, हमारे किसी परिजन पर, या आप खुद को अपने ऊपर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति द्वारा हम पर किसी ने कोई काला जादू या कुछ न कुछ हमारे ऊपर करवा रखा है, हम बिल्कुल बेचैन रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता, हमें चीज़ें जो है बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कई सालों से, बहुत परेशान हो रहे हैं, घर में भी सुख शांति समृद्धि नहीं होती है, हम बहुत परेशान और सिर्फ परेशान होते रह रहे हैं, तो हमें ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ ही जाता है कि इन पर किसी ने कुछ करवा रखा है, तो ये पूरा माजरा क्या है, और अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है उससे हमें कैसे बाहर आना है, ये पूरी जानकारी सिर्फ आप इस 2.5 मिनट के वीडियो में जान पाएंगे। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी इस तरह के मन में विचार आते हैं तो उसके पीछे एक सबसे मेन रीज़न होता है नेगेटिविटी। नकारात्मकता एक ऐसी एनर्जी है दोस्तों जो सब कुछ चीज़ें नेगेटिव कर सकती है, तो ये पहला सिम्टम है और पहली मुख्य बात है कि इस दरमियान आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक है। अगर ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा है या किसी भी व्यक्ति के लिए उठ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा भी नेगेटिव है, और नेगेटिविटी जो होती है वो ओवरथिंकिंग को जन्म देती है। नेगेटिविटी आपको एक फेस से या एक ऐसी तकलीफ़ों से बाहर निकलने में मदद नहीं कर सकती है, इसलिए आपको जितना हो सके उतना इस दरमियान पॉजिटिव होना है। अब दूसरी बात ये भी होती है कि कई बार लोग आपको मैनिपुलेटेड करते हैं, लोग कई बार आपके मन में शक भर देते हैं कि किसी ने कुछ करवा रखा है या किसी ने कुछ कर दिया है, तो ये जो शक है ये भी हमारे लिए तकलीफ़ देह विषय हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन जब परेशानी में आते हैं उसके हल के लिए, वो हल करने के लिए परेशान हो जाते हैं, फिर वो इन सभी रास्तों की ओर अपने मन में विचार लाते हैं और इन्हें सच या झूठ जो भी मानते वो मानते रहते हैं। तीसरी बात है कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें, खुद को ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये बुरा दौर है, ये गुजर जाएगा। जब आपको ये यकीन अपने आप में होगा तो मैं आपसे यकीन करता हूँ दोस्तों कि ये ऐसा दौर किसी भी के जीवन में आएगा, आप बाहर निकल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको बात बताऊँ वो है कि प्रेशर लेने का दिमाग का एक ही सिर्फ लिमिट होती है कि हम दिमाग पर एक ही प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर ही झेल पाते, तो ज़्यादा दिमाग को प्रेशराइज ना करें, वो जितना प्रेशराइज होगा उतना नेगेटिविटी में जाएगा और उतनी सारी चीज़ें नेगेटिव होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।